bench press basically जो main exercise होती है chest की भी और वैसे भी strength training की, तो उसमें हम आपको थोड़ा सा तरीका बताएंगे कि basic bench press करने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है। काफ़ी सारे लोग इसमें ego lifting करते हैं, देखा देखी में आगे काफ़ी weight lift करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले यही है कि आपकी फॉर्म मैटर करती है। सबसे पहले आपने फॉर्म पे फोकस करना है। अगर आपकी फॉर्म सही होगी तो आपको एक्सरसाइज का बेनिफिट भी होगा, अदरवाइज आप अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, इंजरीज की तरफ भी आप जा सकते हैं। सो आज हम आपको करके बताएंगे बेसिकली। सो इसका जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है बेसिकली वो ये है कि आपने पहले जो बेंच होता है उसकी सेटिंग आपने अपनी बॉडी के हिसाब से करनी होती है, अपनी हाइट के हिसाब से होती है। जो भी अगर आप इंक्लाइन बेंच पे हैं, अगर आप स्ट्रेट बेंच पे हैं तो उसको भी देखना होता है। तो उसमें जो स्टार्टिंग है वो सबसे पहले हम आपको बताते हैं। तो इसमें जो चेस्ट के लिए वो आपकी जो ग्रिप है ना वो मीडियम ग्रिप होती है, ना बहुत ज़्यादा वाइड हो ना बहुत ज़्यादा क्लोज हो, मीडियम ग्रिप आपने रखनी है। ठीक है, चेस्ट आपकी बेंच के ऊपर बिल्कुल जो है ना प्रेस होगा, जब आप करें तो आपको चेस्ट के थ्रू ही वेट को फील करना है। तो इसका जो स्टार्टिंग पोजीशन स्टार्ट करेंगे तो याद रखें ना बिल्कुल स्लो लगाना है आपने, नाइस एंड स्लो, स्पेशली जो नेगेटिव रैप है वो आपने बिल्कुल फोकस करना है। एक लिफ्ट करने में तो जोर लगाना ही लगाना है, लेकिन जो नेगेटिव रैप है उस पर फोकस करना है। और ये अपर चेस्ट की पोजीशन बनती है आपकी, इस जगह पर आपका बार आना चाहिए। और आपके एल्बोज की भी पोजीशन काफ़ी हद तक जो है ना बहुत आउट भी नहीं होनी चाहिए, बहुत क्लोज भी नहीं होनी चाहिए, एक मीडियम उस पर रेंज में आनी चाहिए, ताकि जो आपका चेस्ट मसल है वो टारगेट हो। अब यहाँ पे इस जगह ये मसल टारगेट हो रहा है, ये जगह आपका बार बार मसल्स को फील कर रहा है, तो इस पर आपने फोकस करना है। ना कि आप अपने ट्राइसेप्स यूज़ करने हैं, ना कि आपने अपनी लोअर बैक, कुछ लोग लोअर बैक लिफ्ट करके लगा रहे होते हैं, वो भी बिल्कुल गलत है। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, तो बेसिक चीज़ें ये बिगनर्स के लिए, या लोग काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इस चीज़ को लेकर कंप्लेन करते रहते, तो वो इसको ट्राई करेंगे इस तरह, तो इंशाल्लाह हेल्प हो गया आपको। थैंक यू।